हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ग्रो योर करियर। तो आज हम आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं। यहाँ पर NPCIL की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है ITI के बेस पे, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे आपको ITI के बेस पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेजिग्नेशन है, जैसे यहाँ पे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर्स हो गया, तो बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आसानी से यहाँ पे मिल पाए। और मैं यहाँ में आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको NPCIL के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट क्या क्या है, सैलरी आपकी क्या होने वाली है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको कि इस पोस्ट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सारा प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, PDFs का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहाँ मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हमेशा जॉब्स के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट लेकर आते रहता हूँ। तो आपको यहाँ पे अगर आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन है इस वीडियो का हमारे पास आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ मैं आपको सारा प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ, राइट। ओके फ्रेंड्स, तब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र स्थल यहाँ पे देख सकते हैं, DP बाइसुर, यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.npcl.nic.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, और इनका यहाँ पे आप CIN नंबर देख सकते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अभी हम नीचे देखते हैं यहाँ पे इसका जो है एप्लीकेशन का ओपनिंग एंड एंडी डेट क्या क्या है, देखेंगे तो नोटिफिकेशन में बोला हुआ है कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ही आपको ये वैकेंसी निकाली गई है। अप्रेंटिस के लिए बेसिकली वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखिए एप्लीकेशन अप्लाई करने का क्या था, डेट जो था सब डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो था 28 अक्टूबर 2021 को 10 बजे से स्टार्ट होना था, और लास्ट डेट जो है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन को लास्ट डेट आपका जो है वो है 15 नवंबर, ठीक है। तो 15 नवंबर 2021 को 4 बजे तक यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है इन्होंने साफ साफ ये चीज बोला हुआ है कि आप देखेंगे कि जो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए इनवाइट्स एप्लीकेशन क्या बोला गया, फॉर द कैंडिडेट्स पास्ड आउट फ्रॉम ITI कोर्स आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1968। तो जिन्होंने ITI का कोर्स कम्प्लीट कर लिया है वही इसके लिए एप्लीकेबल है ITI के इस अप्रेंटिस की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है कि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहे। अभी हम पोजीशंस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस पोजीशंस के लिए डेजिग्नेशंस के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ट्रेड का डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ट्रेड। देखिए फीटर के लिए यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो आप देखिए 26 वैकेंसी फीटर के लिए, 1 ईयर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना है, 1 ईयर का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाला है, और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है, तो अप्रेंटिस है, जब अप्रेंटिस सिलेक्ट होंगे तो आपको 1 ईयर का यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाला है, और ITI के पास यहाँ पे देखिए ITI पास सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव ट्रेड के। अगर आपसे फीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो ITI का आपका आपने ITI फीटर से किया होगा तब यहाँ पे आपको ITI का एलिजिबिलिटी मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। और देखिए टर्नर के लिए क्या है, ये टर्नर पोजिशन के लिए 10 वैकेंसीज है यहाँ पे, उसमें भी आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाने वाला है, और ITI सर्टिफिकेट आप टर्नर से हो आपके पास किया आपने, जो ट्रेड आपका ITI में टर्नर रहना चाहिए तो ये उसके लिए अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर ट्रेड के लिए पर्टिकुलर आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन होगा। अभी देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो 28 वैकेंसीज है यहाँ पे, और वेल्डर के लिए आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 21 वैकेंसीज है, सेम चीज यहाँ पे जो है रह रही है। और आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का यहाँ पे आपको 15 वैकेंसीज है, यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, ITI सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे ITI पास अपने मैकेनिक से किया होगा तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 13 वैकेंसी यहाँ पे,
और यहाँ पे आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेशन एंड एसी मशीन मैकेनिक का आपको 16 वैकेंसीज निकाला गया है, और कारपेंटर के लिए 14 वैकेंसीज है, प्लम्बर के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे तो 15 वैकेंसीज है, और वायरमैन के लिए 11 वैकेंसीज है, डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसीज है, ठीक है, और मैकेनिस्ट का यहाँ पे 11 वैकेंसीज है। अभी आप चेक करेंगे पेंटर के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसीज है, और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है ड्राफ्ट्समैन, जो अगर आप ड्राफ्ट्समैन से आपने ट्रेनिंग आईटीआई किया हुआ है वो भी मैकेनिकल के फील्ड में, तो आपको उसके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आप पर्टिकुलर ट्रेड से आपने पास आउट होंगे तब आपको उसके लिए पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे। अभी हम नीचे और देख लेते हैं जो वैकेंसीज है यहाँ पे, देखिए आज देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल से आपने किया हुआ तो उसके लिए 1 वैकेंसीज है, अगर आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस से आपने किया हुआ है तो 17 वैकेंसी उसके लिए निकली हुई है, और आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आपने किया हुआ है तो 14 वैकेंसीज यहाँ पे उसके लिए निकाली गई है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश में आपका 2 वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसीज है, सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको 4 वैकेंसीज है, और हाउसकीपर के लिए यहाँ पे 3 निकाला गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जो आईटीआई के बेस पे जो निकाली गई है वो है 250, 250 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि आईटीआई सर्टिफिकेट पर्टिकुलर ट्रेड में होना चाहिए, जैसे अपने अगर आप स्टेनोग्राफर से हैं तो स्टेनोग्राफर का आपका सर्टिफिकेट हो आईटीआई का, अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई मैकेनिकल के लिए अप्लाई करें तो मैकेनिक का हो, ठीक है, ठीक है, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर से किया हुआ, तो ये पर्टिकुलर ट्रेड से पर्टिकुलर ट्रेड का मैचिंग होना आपका होना चाहिए, राइट, ये चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी की बात कर लेते हैं, किस पर्टिकुलर, यहाँ पे 250 वैकेंसी टोटल है बट यहाँ पे जनरल के लिए कितने वैकेंसीज है, एसटी के लिए कितने वैकेंसी है, ओबीसी के लिए कितने वैकेंसीज है, वहाँ पे रिजर्व सीट है जो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, बता दूं आपको। यहाँ पे देखिए टोटल सीट यहाँ पे 250 है, जिसमें से एससी के लिए वैकेंसी जो हुआ यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति यहाँ पे आपका 25 वैकेंसीज है, एसटी कैंडिडेट्स जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 22 वैकेंसीज है यहाँ पे, ओबीसी के लिए आप चेक करेंगे तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से जो बिलोंग करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे उनकी 67 वैकेंसीज है, और जो यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दैट मीन ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं अगर आप, तो वहां पे उसके लिए आपको 25 वैकेंसीज निकाली गई है, और यहाँ पे यूआर के लिए यहाँ पे है देखेंगे यहाँ पे 10 आउट ऑफ 250 आर रिजल्ट फॉर पीडब्ल्यूडी। अब 250 में से ये कह रहे हैं कि जो लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं उनको यहाँ पे 250 में से 50 सीट उनके लिए रिजर्व है, ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई, किस सीट्स के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, अभी हम स्टाइफन की बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे स्टाइफन आपको ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको यहाँ पे स्टाइफन क्या मिलने वाला है आपको, तो अगर आपने आईटीआई 1 साल का किया होगा पर्टिकुलर फील्ड से तो वहां पर आपको स्टाइफन जो मिलेगा वो 7,700 का होने वाला है, ठीक है, अगर आपने आईटीआई 2 साल का किया हुआ, यू हैव फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स ऑफ आईटीआई कोर्स, तो उनका जो पे आउट होने वाला वो स्टाइफन जो मिलने वाला है उनको 8,855 का मिलने वाला है, 8,855 का यहाँ पे स्टाइफन आपको मिलने वाला है। ओके ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कि एज लिमिट आपका क्या होने वाला, देखिए 14 से लेकर आपका आयु आपका 14 से दिनांक 15/11/2021 तक की आयु 14 से कम नहीं होना चाहिए इस डेट में, और वहां से आपको 24 साल, 14 से 24 के बीच में अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो छूट मिलने वाला है यहाँ पर आपको एससी एसटी कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो वहां पर आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपको 10 ईयर्स का छूट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एज लिमिट का जो है डिटेल्स मैंने आपको बता दिए, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर आप देख बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का, तो देखिए यहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस आपका होना है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा आपकी, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो फिजिकल आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 137 सेंटीमीटर के आपकी हाइट होनी चाहिए, वेट आपका 24.4 kg का होना चाहिए, ठीक है, 25 किलो 400 ग्राम, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए, चेस्ट आपका क्या होना चाहिए 3.8 सेंटीमीटर यहाँ पे कम प्रसार, मगर आप जो चेस्ट है वो अगर आप एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे तो आपको 3.8 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए चेस्ट का, ठीक है, और विजन का क्या है यहाँ पे देखिए दृष्टि, तो यहाँ पे सिर्फ आंख में किसी तरह का कोई यहाँ पे बीमारी ना हो, किस तरह का दाग होगना हो आंख में वो यहाँ पे चीजें चेक होंगी, ठीक है,
और यहाँ पर इन्होंने नोट में टिप्पणी में क्या बोला हुआ कि देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड पास द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी बिफोर बीइंग एंगेज्ड द ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस पे अगर आप सिलेक्टेड होने से पहले आपको यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपका तो फिजिकल स्टैंडर्ड है, उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला, मेडिकल आप पास करेंगे देन आप सिलेक्ट होंगे। ओके ओके अब हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है, कह रहे हैं कि द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेंड बाय कैंडिडेट्स इन आईटीआई इन ऑल सेमेस्टर। सारे जितने भी आईटीआई में अपने सेमेस्टर है उसके बेस पे आपने सेमेस्टर में जितने भी आपने मार्क्स लाया उसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला। तो जितना ज्यादा मार्क्स होगा, जितनी ज्यादा आपकी यहाँ पे परसेंटेज होगी, उसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन उतना ही अच्छा होने वाला है। ओके अब हम जनरल कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो हर एक कंपनी की अपनी एक जनरल कंडीशंस होती है। तो देखिए यहाँ पर जनरल कंडीशंस क्या रखेंगे, पहला पॉइंट इन्होंने रखा हुआ है कि ओनली इंडियंस आर एलिजिबल फॉर दी फॉर टू अप्लाई, मतलब सिर्फ इंडियन ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोली हुई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव अ वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर टिल कंप्लीशन सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता उसके लिए आपको यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आपको रखना है, क्योंकि उसी पे आपको मेल पे यही रिवर्ट करेंगे और आपको एसएमएस के थ्रू ही रिवर्ट करेंगे। तो अगर आपको ये दोनों चीजें ही हमेशा ध्यान में रखनी है कि उसी के जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आप गुम नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको सारा कुछ उस पर आएगा मेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे, तो फिर आपको मिल नहीं पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके आगे हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी एज एप्लीकेबल फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस शैल बी फॉलोड। तो जो भी गवर्नमेंट्स के रूल होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये रिजर्वेशन यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। ओके अभी हम देख लेते हैं कि आपका प्लेसमेंट कहाँ पे होना, प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग शैल बी तारापुर महाराष्ट्र साइट। कौन सा साइट है भैया, देख लो आपको पीओ टॉप भाया कहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका बॉयसर में आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ताल एंड डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, जिला एंड पालघर क्या है यहाँ पे, देखिए जिला आपका पालघर हो गया, यहाँ पे पिनकोडी है। तो यहीं पर आपका जो है प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आपको लिंक दूंगा, वहां भी चेक कर लेंगे। ओके ओके हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पांचवा पॉइंट, इसमें कुछ मेजर चीज नहीं है, छठा पॉइंट इसमें कुछ मेजर चीज नहीं है। हाँ ये सेवंथ पॉइंट चेक कीजिए, द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर, एक साल की यहाँ पे आपको ट्रेनिंग होने वाली है। ओके तो एक साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पे अगर आप अप्रेंटिस पे सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको मेजर चीज एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वहां पर आपको द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस अ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी से आपको यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एज आपका सत्यापन के तौर पे। तो यहाँ पर ये चीजें एट अ सिलेक्शन के टाइम पे आपको इस पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा नाइन्थ पॉइंट में ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो फिजिकल फिटनेस हो जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं वो आपका मेडिकल अपने अकॉर्डिंग जो इन्होंने अपना सेट किया उस मेडिकल स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होने वाला है। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे तो 10वां 11वां पॉइंट कुछ नहीं है। 12वां पॉइंट भी इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप एज ए अप्रेंटिस सिलेक्ट होते देर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, अप्रेंटिस पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलने वाली और ना ही रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ विद अप्रेंटिस, ठीक है। तो हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली और आपको किस तरह का रहने के लिए रेसिडेंशियल या घर वगैरह भी आपको क्वार्टर नहीं मिलने वाला है। ओके 13वां पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक चीज मेजर चीज है कि एक टाइम पे आप एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने आईटीआई की वजह से। कि मैंने आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए करेंगे, या नहीं कि फिटर के लिए अप्लाई करें तो फिटर के लिए करेंगे। आप एक टाइम पे दोनों चीजों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो एट ए टाइम वन ट्रेड के लिए आप एप्लीकेबल हैं, एट ए टाइम टू ट्रेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उस केस में आपका अगर आप ट्राई करेंगे अपने इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई किया, एक तो पहला एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा ऑनलाइन, दूसरा चीज ये होगा कि ये भी हो सकता है कि दोनों चीज आपको कैंसिल हो जाए। तो इसलिए आप एट ए टाइम आप सिलेक्ट कर लेंगे किस पोजीशन के लिए डेजिग्नेशन आपका क्या होने वाला है, ट्रेड से अप्लाई ट्रेड आपका क्या होना है, ट्रेड सिलेक्ट कर लेंगे उसके भी आप पे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके 14वां पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं है, 15वां पॉइंट में भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आप जैसे अगर आप एसटीएससी से हैं तो आपका एसएसटी का सर्टिफिकेट लास्ट में आपको वो शो करना होता है, अगर आप पीडब्ल्यूएस है तो पीडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करे तो पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना होता है, ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे।
बाकी यहाँ पे आप देख लेते हैं 18 पॉइंट में आपको क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि द अप्रेंटिस विल रजिस्टर और इनरोल देमसेल्फ ऑन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप फॉर द सॉरी अप्रेंटिस ट्रेनिंग थ्रू दिस पोर्टल। ये रहा इनका, ये www.apprenticeshipindia.org, इस पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, तभी इस यहीं से आपको इस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बेस पे जो कैंडिडेट का जो लिस्ट बन के आएगा उनको ट्रेनिंग के लिए आगे फंड भेजा जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि भैया आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ओके, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया और इनकी जो साइट देख रहे हैं आप www.apprenticeship.org, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये एस्टेब्लिशमेंट आईडी फॉर द न्यूक्लियर पार्टनर ऑफ इंडिया, यहाँ पे महाराष्ट्र का है, ये तारापुर का है। तो यहाँ पर इस साइट पे जाएंगे और वहां पे ये अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे। एट ए टाइम ध्यान रखेंगे कि एट ए टाइम वन ट्रेड के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड के लिए एट ए टाइम अप्लाई नहीं कर सकते आप, तो ध्यान रखेंगे अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है कैंसिल भी हो सकता है। तो अच्छे से पहले आप तो इसको नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे, ठीक से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप आगे का स्टेप्स लेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला। देखिए तो यहाँ पे एसएससी हो गया, आईटीआई क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज मैंडेटरी टू इनपुट ऑल द आईटीआई ट्रेड, मार्क्स चाहिए इन ऑल सेमेस्टर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये कैलकुलेट करके आप रख लेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आप। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट ऑफ फोटोग्राफ जो है 50 KB का आपका हो, और यहाँ का इसका जो साइज क्या हो, ये आपका 125x165 का पिक्सल का होना चाहिए। देखें सेंटीमीटर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 44x से यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट का जो है जो अपलोड करेंगे उसका इन्होंने साइज मेंशन किया, उससे ज्यादा का अगर आप अपलोड करेंगे तो वो आपका अपलोड ही नहीं होगा। फोटोग्राफ का कलर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर में होना चाहिए विथ लाइट कलर बैकग्राउंड आपका जो लाइट होना चाहिए, प्रेफरली व्हाइट कलर बैकग्राउंड आपको यहाँ पे रखना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे इस चीज को। कैंडिडेट्स वेयर ग्लासलेस मेक थ्रू देयर नो रिफ्लेक्शन एंड कैंडिडेट्स आर आईज आर क्लियरली सीन, मतलब कि आईज आर सीन का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखिए, एक तो उन जब मेडिकल फिटनेस होता है आपका, जब मेडिकल होता है आपका, तो वहां पर आपको आईज को वहां पे चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी चीजें फोटो में आपको, आप तो पहले क्लियर आना चाहिए, धुंधला फोटोज होगा तो वो उसमें भी सिलेक्ट नहीं होगा आपका, तो इसलिए आपको क्लियर फोटोज यहाँ पर रखेंगे, बैकग्राउंड क्या रखना है, इसका कलर क्या रखना है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब हम फोटो की बात करें यहाँ पे, तो अभी आप सिग्नेचर की बात करते हैं हम, तो सिग्नेचर देखिए आपका 20 KB का होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम पिक्सल क्या है 125x80 का आपका पिक्सल का होगा, 44x29 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए, फॉर्मेट आपका जेपीजी होना चाहिए। तो ये रहा आपका सिग्नेचर, आपका फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको आप रीड आउट कर लेंगे यहाँ से। देखिए कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, देन ऑनलाइन पे फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका होगा, लेफ्ट मेन्यू पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे स्टेप्स दिया गया, यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायर टू एक्टिवेट अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द एक्टिवेशन लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा स्टेप्स दिया हुआ, पहले आप ठीक से पढ़ेंगे इसको, देन उसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, एसएससी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आईटीआई का आप देखेंगे अपलोड आईटीआई मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, टेंथ का मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते जैसे SC ST हो गया, OBC हो गया, PWD हो गया या EWS हो गया, तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो ये इन्होंने ये सारा स्टेप्स दिया हुआ है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पर्पज से आप चेक करेंगे तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल फॉर फिलिंग अप इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, मेडिकेटिव टेक्निकल आपका क्वालिफिकेशन हो गया, वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे चाहिए, ओके। तो यहाँ पे पूरा स्टेप्स है कैसे आपको सबमिट करना है, इन्होंने सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आराम से ये देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है बट ये बिल्कुल सिंपल है, इसको जब आप फिल करेंगे फॉर्म को
तो आपको बहुत ही आसानी होगी, आसानी से आप फॉर्म को फिल अप कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने एक चीज़ और दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको रीड आउट करेंगे तो देखिए सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ आपका देखेंगे, मेट्रिकुलेशन वो ऐसे काउंट कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो मतलब कि मैट्रिक पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वही आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट होने वाला है। आईटीआई का सर्टिफिकेट आप चेक करेंगे यहाँ पे, आधार कार्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो देखिए लग रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट एससी एसटी इफ एप्लीकेबल, अगर आप एससी एसटी हैं तो आप एससी एसटी का सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी है तो ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं तो आप पीडब्ल्यूडी के लिए डालेंगे, राइट। नीचे आते हैं हम, यहाँ पे कुछ चेक कर लेते हैं, ओके वन मिनट, ओके। तो नीचे अब कुछ ज्यादा चीज नहीं है, इफ द एप्लीकेंट है बस, अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस वही है। यहाँ पर आप चेक करेंगे स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेंगे कोई यहाँ पे, और कोई परेशानी हो, कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपके पोस्ट सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और बताना चाहूंगा अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास हमेशा इस तरह के अपडेट आते रहे, मैं हमेशा आपको जॉब्स के रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहता हूँ। तो वीडियो को जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।